पतंजलि योग समिति द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर बुधवार को 90वें योग का आयोजन अग्रसेन भवन में किया गया। इसमें पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे, पूर्व पार्षद जय श्रीनिवास राव, रिंकू साहू, अशोक यादव, नितेश सिंह, मुकेश सिंह, प्रकाश यादव, गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। अग्रसेन भवन में योग करने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि गणित में योग का मतलब जोड़ना होता है, उसी तरह जीवन को भी जोड़ने के लिए योग जरूरी है। जी जैन जी और भिलाई दी पूरे छत्तीसगढ़ के जाने माने उद्योगपति विजय गुप्ता जी, वंशी अग्रवाल जी, मनीष जैन, सतपति जी और सभी समाज के अध्यक्ष और हमारा इस योग में इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम मंडल के अध्यक्ष तिलक राज यादव सहित उसका जो मंडल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि योग को बाबा रामदेव जी ने जहाँ घर घर पहुँचाया, ऐसा लोगों में भरोसा दिलाया कि भाई ये सबका है। पहले ऐसा लोग मानते थे हम लोग कि ये साधु संन्यासियों का ही है, तो विश्व के आम लोगों तक पहुंचाने का काम और यूएनओ में पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में इस योग को प्रचारित किया और स्थापित कराया। आज तक हम लोग जितने डे देखते हैं सब पश्चिमी देशों के द्वारा, यूएनओ के द्वारा प्रस्तावित और स्थापित है। ये पहला योग दिवस है जो दुनिया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के इस पुरातन योग को स्थापित कराया गया। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है, भारतीय संस्कृति भी जोड़ने का काम करती है। योग हमारे तन, मन, बुद्धि और आत्मा जो शरीर के चार अंग हैं, अवयव हैं, उसको जोड़ती है और उसके बाद हम आत्मा से परमात्मा तक जोड़ने का जो प्रयास करते हैं, हमारी सृष्टि है, हमारी अपनी समष्टि, समाज, सृष्टि, तो हर जगह जहाँ तक हम जुड़ सकें वो जोड़ने का कार्य करें। आज ये सहयोग है कि हम सब जिस समय यहाँ योग में बैठे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण सेवा सुशासन के 9 साल बेमिसाल जो कार्य हुए हैं और जितनों ने हर वर्ग के लिए कार्य किया, सामरिक नीतियों से लेकर